मानसिक बीमारियों के लिए मुंह से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारी मानसिक बीमारियाँ ऐसी है कि जिनको हुई है ना, वो लोग बोलते मेरे को हुई नहीं, मेरे को दवाई की जरूरत ही नहीं है, मुझे दवाई चाहिए नहीं, डॉक्टर के पास में आने के लिए आनाकानी करते हैं, जबरदस्ती देनी पड़ती है दवाई। स्पेशली जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो है, जिनको शकीलेपन की बीमारी है, शकीलापन, वो तो दवाई लेने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं, मैनिक जो लोग हैं, मैनिक मतलब उन्माद या हर्षवायु जो है, बोलते मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरे को हुआ ही क्या है, और बिल्कुल सुनते नहीं किसका हो। तो ऐसे इसमें घर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई करना क्या है इसका, क्योंकि दवाई लेने को तैयार नहीं, डॉक्टर के पास में आने को तैयार नहीं है। शराबी सेम थिंग, जिनको अल्कोहल एडिक्शन है, वो डॉक्टर के पास में जाने को तैयार रहते नहीं है। 10 में से 9 लोगों को मेरे पास में जबरदस्ती लाया जाता है। घर के लोग जबरदस्ती उठा के लाते हैं कि चलो नहीं करना पड़ता इलाज, और डॉक्टर के पास में आने के बाद मेरे को छोड़ो, मेरे को नहीं करना है, मेरे को जाना है घर पर, वो एडमिट होने को तैयार नहीं रहता। तो ऐसे इसमें क्या करें, ऐसे इसमें कुछ फार्मा कंपनियों ने भी इंजेक्टेबल लाया हुआ है। तो इंजेक्टेबल जो है, उसका इंजेक्शन दे दो, 1 महीने में 1 इंजेक्शन दे दिया, तो वो इंजेक्शन काफ़ी अच्छा कंट्रोल में लाता है, मतलब दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वो जो बीमारी है उसको कंट्रोल में लाता है। तो ये न्यूरो एंटीसाइकोटिक्स है कि वो देते हैं, तो बस एक बार एक इंजेक्शन दे दो कमर में, और फिर महीना भर देने की जरूरत ही नहीं है, और महीना भर अच्छा कंट्रोल में रहेगा। तो ये बहुत ही सरल और आसान हो गया है। एक तो रोज़ रोज़ दवाई की याद दिलाओ, पीछे लगो, दवाई ली कि नहीं लेनी, नहीं लिया फिर वो लेता नहीं है, फिर ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है, इससे झंझट ही नहीं, 1 महीने में 1 इंजेक्शन दिया, चलो बाजू हटाओ। तो ये इंजेक्शन अच्छे हैं, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग इंजेक्शन है, अलग अलग केमिकल्स है उसमें, लेते हैं तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल में आ सकते हैं। अब 10 में से 9 लोग आने को तैयार ही नहीं डॉक्टर के पास। हम बोलते कि भाई छोड़ देंगे, हम जब चाहेंगे तब शराब छोड़ देंगे, हमको नहीं इलाज करना। फिर बहुत सारे रेट क्या करते, उनको बहुत शराब पिलाते, बेहोश होने तक शराब पिलाते, फिर उठा के हमारे दवाखाने में लाते, और नहीं तो फिर उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाते। तो ये तो हम भर्ती कर लेते, उनको एडमिट करते, एडमिट करके एक बार 2-3 बार उनका इलाज, 2-3 दिन उनका इलाज किया, सलाइन दिया, दवाई दिया, नींद की दवाई, भूख की दवाई, उल्टियाँ आती उसके लिए दवाई, फिट नहीं आना चाहिए उसके लिए दवाई, ऐसे सब करने के बाद में उनको एक बार डिटॉक्सिफाई करने के बाद में फिर उनको घर पे भेज देते हैं, और उनको बुलाते हैं साइकोथेरेपी के लिए। अच्छा, जो रहते ही नहीं है हॉस्पिटल में, आने को ही तैयार नहीं है, या फिर आने के बाद में ज़बरदस्ती लाए, 1-2 दिन रखे और भाग जाते हैं हॉस्पिटल से, बस नज़र चुकाना, भाग जाना, जाके शराब पीना, या फिर हॉस्पिटल से कुछ बहाने से बाहर जाना, भर्ती है हॉस्पिटल में, बाहर जाना और बाहर जाके शराब पी के आना। मतलब क्या है कि उनको इच्छा नहीं है छोड़ने की, फिर डीमोटिवेटेड है कम्प्लीटली। तो उनको हम डायसल्फिराम की गोली देते हैं। डायसल्फिराम ऐसी दवाई है कि वो दवाई देने के बाद में यदि शराब पीता है व्यक्ति, तो उसको उल्टियाँ सुल्टियाँ आती रहती है, बहुत जी मचलाएंगा, उल्टियाँ आएंगी, पसीना आएगा, चक्कर आएंगी, और उसको ये मालूम पड़ता है अभी कि मैं शराब लेता हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसको ये मालूम नहीं कि गोली ले रहे, क्योंकि गोली उसको कहीं खाने में मिला के दे रहे घर के लोग, खाने में, पीने में, मतलब दही में, दूध में, इधर सब्जी दाल काय में मिला के दे दो, तो उसको मालूम नहीं कि अपने को दवा दे रहे, और फिर शराब लेता है तो उल्टियाँ आती है, फिर उसको लगता है कि आजकल मैं शराब पी रहा हूँ, उल्टियाँ आ रही है, पचन नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, और वो डर डर के मारे फिर वो शराब छोड़ देता है। वैसे अकैम्परसोल नाम का केमिकल है, वो भी हम देते हैं, नेलट्रोक्सन नाम का केमिकल भी देते हैं, कि ये जो केमिकल्स है ना, ये मतलब ये दवाइयाँ जो, वो दवाइयाँ वो जो क्रेविंग है वो कम करती है, मतलब जो अति तीव्र इच्छा पीने की होती है वो कम करेगी। तो ये दवाई, मतलब ये गोलियाँ लो, साइकोथेरेपी करो, फैमिली थेरेपी करो, और इसका इलाज करो। आज हमारे इसमें, मतलब सोसाइटी में, हमारे देश में कम से कम 10 में से 1 व्यक्ति जो है, या 10 में से 2 व्यक्ति जो है, वो अल्कोहल एडिक्ट है। पुरुषों में 10 में से 5 लोग शराब पीते हैं, 10 में से 5 लोग। मजदूरों में जो डेली वेजेस पे है, उनमें तो बहुत ज़्यादा ये है, मतलब प्रमाण है। कुछ ऐसे पोस्ट है, सरकारी या बिन सरकारी, कि जो
विभाग में काम करने वाले लोग हैं वो तो शराब पीते ही पीते हैं। आज मिलिट्री में बहुत कम टैक्सेस है शराब के ऊपर। कितने सारे जवान जो हमारे पास में आते हैं कि उनको शराब बहुत सस्ती मिलती है करके वो एडिक्ट हो जाते हैं। और एक मिलिट्री में ऐसा है कि नहीं नहीं अब घर से दूर है, फिर ठंड में रहना पड़ता है तो शराब तो पीना ही पड़ता है और उनको आदत लग जाती है। फिर जहाँ जहाँ बहुत करप्शन है, अभी डिपार्टमेंट के नाम लूँगा तो लोगों की रिएक्शन आएंगी इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, मगर जो जो डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है, जो डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, जो डिपार्टमेंट में बहुत पैसा आता रहता है लोगों से करप्शन के रूप में, वहाँ 90% लोग शराब पी रहे और वो हमारे पास में आते रहते हैं एक ना एक दिन। शराब लोग बोलते हैं कि हम सोशल के लिए पी रहे, सोशल वो लोगों के साथ में रहना है तो पीना पड़ता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर शराबी व्यक्ति का इलाज होना जरूरी है। जो लोग चाहते भी नहीं उनका इलाज हम करते हैं। फिर ज़बरदस्ती रखना है तो हम ज़बरदस्ती रखेंगे। हमारा रिहैब सेंटर है, मानसिक रुग्ण जो है वो भी ज़बरदस्ती रहना चाहता है तो उसको भी हम ज़बरदस्ती रखते हैं, रिलेटिव्स की सहाय लेके, उनकी कंसेंट लेके, कि वो होश में नहीं है तो फिर क्या करेंगे। वायलेंस बहुत है, होश में नहीं है तो ये रिहैब सेंटर में उनको रख के उनका इलाज किया जाता है। ये वीडियो आप वो ही लोगों को शेयर करो कि जो लोग तैयार नहीं इलाज करने के लिए और रिलेटिव्स भिन्न हैं, रिलेटिव्स को इलाज करवाना है उनका। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।